नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रति जन सामान्य में जागरूकता लाने के लिए निकाली जाने वाली रैली को हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी ने रवाना किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय गोयल द्वारा स्वास्थ्य विभाग में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाने के लिए शपथ भी दिलाई गई। बता दें कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जनसामान्य से संचारी रोग से सुरक्षा एवं बचाव के प्रति सजगता बरतने और सभी आवश्यक उपाय अपनाने का आह्वान किया गया। इस मौके पर जागरूकता रैली को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन गांव, ब्लॉक, जिले और देश को संचारी रोगों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर डीएम ने कहा कि कार्यक्रम की सफलता के लिए सामुदायिक एवं सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे और सभी लोगों को व्यक्तिगत अपने और घर के आसपास साफ सफाई, अपने गांव और मोहल्ले के वातावरण को स्वच्छ रखने तथा समुदाय को साफ सफाई और स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। बरसात शुरुआत हो चुकी है, इस दौरान संचारी रोगों की अधिकता होती है, तो लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए शुद्ध पेयजल, सफाई व्यवस्था और क्या क्या करें और कैसे बचे, इसके लिए एक रैली भी निकाली जा रही है और सभी बिजनौर के नागरिकों से अनुरोध है कि वो सारे उपाय अपनाएं जिससे संचारी रोगों पे हम लोग निर्भर स्थापित कर सकते। सर, संचारी रोग अभियान, संचारी रोगों को रोकने के लिए कई अभियान बिजनौर जनपद में चल चुके हैं, आप समझते हैं कि जो पूर्व में अभियान चले हैं वो कितने कारगर साबित हुए? आपने ये महसूस किया होगा विगत में भी लगातार इन्हीं कार्यक्रमों का परिणाम रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आती है और लोग अपने उससे बचने का उपाय करते हैं। फलस्वरूप बिजनौर में कभी कोई इस प्रकार के संचारी रोगों का प्रकोप नहीं रहा। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।